पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में उग्रवादी पुनः सिर उठाने लगे हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NLFT ने धलाई जिले के अंतर्गत गंदचेरा के 3 गांवों में कर नोटिस जारी किया है। गंदचेरा राज्य का एक अंदरूनी इलाका है। यहां के 3 गांव बोलखाली, पूर्व पंचायत और रायमा पंचायत को कुछ दिन पहले NLFT गुट ने कर नोटिस दिया है। सन 1980 से ही त्रिपुरा राज्य उग्रवाद का दंश झेलता आया है। आखिरकार सन 1997 की 16 फरवरी को राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू किया गया, जिसके बाद पिछले 5 साल में उग्रवादी गतिविधियों में कमी देखी गई। हालांकि सन 2015 में पूर्व की वामपंथी सरकार ने आफ्सपा कानून को वापस ले लिया। राज्य में पिछले 2 साल में उग्रवादी गतिविधि नहीं देखी गई। हालांकि अचानक अब इन 3 गांव के लोगों को कर नोटिस जारी हुआ है, जिसमें प्रत्येक परिवार से 500 रुपए मांगे गए हैं। जो मनचला लोगों का एक हरकत है, सब कुछ नहीं है सर, एक न्यूसेंस वैल्यू तैयार करने का रास्ता, और कुछ नहीं आ रही है, खत्म है। जो आप बोल रहे हैं ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, वो सब बहुत पहले इस राज्य से विलीन हो चुका है, ये कोई बात नहीं है। दशकों से त्रिपुरा संतरजबाज से जूझता रहा, मगर लास्ट जो 5 साल था इस पे एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, संतरजबाज से रिलेटेड है, जिसके कारण लास्ट गवर्नमेंट ने यहाँ से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का विड्रॉल भी किया था। मगर कुछ दिन पहले जो त्रिपुरा के रिमोट एरिया है, गंडाचरा है और आसपास के एरिया है, उनमें संतरजबाजियों ने अपना टैक्स की नोटिस इशू किया है, जिसके कारण से त्रिपुरा में फिर आशंका त्रिपुरा के जो लोग हैं वो आशंका जता रहे हैं कि त्रिपुरा में फिर से ना इंसर्जेंसी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। धर्मनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीजल्स रूबेला टीकाकरण कैंपेन पर जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसाइटी ने मीडिया संवेदनशीलता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंकर दास, आशीष दास कांगना, डॉक्टर देवेंद्र तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी वरुण दास समेत अन्य लोग उपस्थित थे। त्रिपुरा सरकार 15 सितंबर से 1 महीने के लिए पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर मीजल्स और रूबेला प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस दौरान 9 महीने से 15 साल तक की उम्र के 10 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि यह टीका स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लक्ष्य है साल 2020 तक राज्य से मीजल्स और रूबेला को जड़ से उखाड़ फेंकना। ब्रू शरणार्थियों के 6 शिविरों में भी यह टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारी कार्यक्रम जो है हमारा पूरा स्टेट में अगले 15 तारीख से शुरू होगा और ये 5 हफ्ता तक चलेगी। पहले 2 हफ्ता ये स्कूल में होगी इम्यूनाइजेशन सेशन, और 3rd और 4th जो वीक से ये कम्युनिटी में होगा, चाहे वो साफ सेंटर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर हो या कोई पंचायत बिल्डिंग हो। और जो 5वां हफ्ता है इसको रखा गया है कि मतलब जो लड़का या लड़की पहले 1 महीना में स्कूल में या कम्युनिटी में नहीं दे पाए, दोज हु आर ड्रॉप्ड आउट एंड लेफ्ट आउट, इनको मतलब पूरा 100% कवरेज देना। उदयपुर पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। SDPO हिमाद्री प्रसाद दास के नेतृत्व में उदयपुर के किला अंतर्गत थारकायांग इलाके में अभियान चलाया गया। इन जुआरियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 30,000 रुपए की नकद राशि, 20 कैलकुलेटर और तीर खेल की सामग्रियां बरामद की गई है। ADC इलाके में युवाओं को तीर खेल का अधिक चस्का लगा हुआ है। मोबाइल फोन के जरिए कई जनजाति युवक इस तरह के गैर कानूनी खेलों में शामिल हो गए हैं। किल्ला PSA-র অধীন দারকাথাং এলাকা থেকে একটা খবর আসে যে ওখানে বেশ কিছুদিন ধরেই তীর জুয়ার আসর বসছে বড় আকারে। তো সেই মোতাবেক আমি আমার স্টাফসহ ওখানে রেড করে প্রায় 30,000 টাকা, 20টা ক্যালকুলেটর, 6টা মোবাইল ফোন,
প্লাস তীরের হিসাবের অনেক নথিপত্র আমরা বাজেয়াপ্ত করি। সেই সাথে আমরা চারজনকে অ্যারেস্ট করি। এই চারজন হলো শশীকুমার জমাতিয়া, সুরেশ জমাতিয়া, নরেন্দ্র জমাতিয়া এবং খাংরাই জমাতিয়া। शिलोंग के सबुजा डोल नामक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ने शिक्षकों के सम्मान में शिलोंग के पुलिस बाजार में स्ट्रीट शो का आयोजन किया। गीत संगीत इस रोड शो का मुख्य आकर्षण रहा, जहां युवा प्रतिभाओं ने हिस्सा लेकर शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर लोगों को संदेश दिया। बीस मिनट के इस कार्यक्रम को देखने के लिए पुलिस बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टीचर्स डे, आई विश ऑल द टीचर्स ऑफ शिलोंग, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। द ग्रेट टीचर इज द ऑलमाइटी हु टीचेस अस हाउ टू लीड आवर लाइफ इन अ लॉफुल एंड फ्रूटफुल वे। सो आई प्रे टू लॉर्ड, लेट ऑल द टीचर्स ऑफ शिलोंग, इंडिया, एवरीवन have a blessed year ahead. आइजोल जिला आयुक्त डॉक्टर ए मुथम्मा ने आइजोल के खटला स्क्वायर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य नदी नालों की सफाई करना था। मुथम्मा ने उम्मीद जताई कि यह कैंपेन राज्य की स्वच्छता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला आयुक्त जॉन एल जी संगा ने कहा कि यह हर नागरिक का फर्ज है कि वह अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखे। स्वच्छता किसी भी समाज के विकास का पहला पायदान है। स्वच्छता अभियान का आयोजन राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी यानी NEDP का एक हिस्सा है।